बनी आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ओमान का एक इलाका शिसर था जो तकरीबन 7000 साल पहले मिट्टी में मिल गया था और 1992 की खुदवाई में बरामद हुए। अब हम उस इलाके की तरफ सफर कर रहे हैं जिसके आज का नाम है आहकाफ या ओबार। यह है ओमान का शहर सलाला। यहां से 172 किलोमीटर रेगिस्तान से सफर करने पर ओबार पहुंचते हैं। यह ओबार है जहां हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बनी आद रहती थी। ये उन मकानों के खंडर हैं जो रेतों के अंबार निकालने पर बरामद हुए। सूरह 11 हूद आयत 50 में अल्लाह फरमाता है, वइला आद अखाहुम हूद قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, भाइयों अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम खुदा पर महज इख्तिरा कर रहे हो। सूरह हूद में खुदा ताला कहता है, पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम के पैगामात को मगरूर कौम ने टुकरा दिया। बने आद को खुदा ताला ने पानी से मालामाल किया। ये उस जमाने का एक कुआं है जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। सूरह 89 अल फजर आयत 6, 7 और 8 में अल्लाह फरमाता है, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिआद इरम ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد। क्या तुमने कभी न देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया, जो इरम की कौम थी, बड़े सुतूनों वाले थे, सारे शहरों में वैसी जोरदार कौम पैदा नहीं हुई। उनके सुतूनों के ये खंडर हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें बनी आद ने इस्तेमाल किया है। सिक्के जाल जो पत्थर से बनाए गए, उस जमाने में कसरत से लोबांग की खेती होती थी। उसका अर्क दवाओं और खुशबुओं में इस्तेमाल होता था, जिनके बरामद करने से बने आद खुशहाल और मालदार बन गए। जब बनी आद ने बुतपरस्ती और हक तल्फी को जारी रखा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अजाब इलाही की ताकीद दी, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। खुदा ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचाने के बाद बनी आद को तबाह और बर्बाद किया। सूरह 69 अल हक्का आयात 6 और 7 में अल्लाह फरमाता है, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. عاد قوم سخت هوا سے ہلاك کی گئی جو ان پر سات راتیں اور آٹھ دن برابر مسلط رہی. بس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اونٹے پڑے ہیں, وہ گویا کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے تھے. عمر کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے. اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئیں. کھدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درآمد ہوئیں. ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی. عیش و عشرت میں مست رہنے والے انسانوں تاریخ سے عبرت حاصل کریں گے.